या आई एम स्टार्टिंग। ओके, अब ये बताएं कि कल आपको मैंने एक टास्क दिया था, आज दो के सारी स्ट्रेंथ तो आज नहीं आई, ओनली चंद ही लोगों ने, छह छह सात लोगों ने अभी तक हमें ज्वाइन किया। अबुजर ने किया, हैदर ने किया, मुबीन ने किया और सवेरा ने किया, सुभान ने किया, तो इन सात लोगों ने, हरीम ने किया, जरवा ने किया। चलो दैट्स गुड। बताएं जी कि कल मैंने आप लोगों ने खुद ही कुछ टास्क अपने लिए वो किए थे, और टास्क किए थे कि एक और भी हमने जेंटलमैन ने ज्वाइन कर लिया, हु इज अनीस, तो अनीस ने भी ज्वाइन कर लिया। हमने कल आपसे कहा था कि जी ये कहा था कि 128, फिर आपने कहा 1, फिर आपने कहा था 197, फिर आपने कहा था 260, और फिर आपने कहा था 172, और ये तमाम के तमाम नंबर डेसिमल नोटेशन में थे। हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दें, तो किसी ने किया? या एक ही जवाब है सबका, रमजान है सर, गुजारा करें, जबकि रमजान ने कभी भी काम से किसी को नहीं रोका। ठीक, सुभान ने तो मुझे भेज भी दिया हुआ है, आई नो। बाकियों का क्या स्टेटस है? जरवा, जरवा हरी, तहरीन कहाँ है, फातिमा कहाँ है? सर तेरी की तबीयत खराब है। खराब है दोनों की, हरीम की भी और फातिमा की भी। हरीम नहीं, तहरीम। तो जब तक के बच्चे आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फायदा कम होगा। तब उजहर ने भी कहा जी, उसने भी किया है, सर फातिमा का फातिमा का नहीं पता। चलें, वो रोजों को एंजॉय कर रही होगी कि पहले लोग रातों को पढ़ते थे, ये दिन को सो जाते थे, अब लगता है कि दोनों टाइम पे सो जाते हैं। तो मुबीन ने बताया कि 128, 1, बिल्कुल गुड जी, यही बात हम देखना चाहते थे। 197 का आपने बताया, ये भी ठीक है। 216 का आपने बताया, ये भी ठीक। 172 आपने बताया, तो बस यही छोटा सा टास्क आपको दिया था कि आप इसको करें, तो दैट्स वेल डन कि आपने इसको ट्राई किया, दैट्स गुड। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ, जहां तक मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग हमने पहले से स्टार्ट की हुई है। बिल्कुल जी, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है और हम इसको रब कर देते हैं। और अब मैं, एक क्वेश्चन मुझ पे आया, देखते हैं कि उसका जवाब आप लोग देते हैं या मैं दूं। क्वेश्चन ये पूछा गया हरीम, एक हमारी फोर्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट ने पूछा कि जनाब, जब हमारे पास आईपी एड्रेसेस हैं, हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस है, अगर उसने ग्लोबली यूनिक आईपी एड्रेस है, अगर उसने इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट करना है, तो इट नीड टू बी हैव ए ग्लोबली यूनिक आईपी एड्रेस। वेरी नाइस। तो वो कहती है फिर ये राउटर साहब जो हैं, ये सिर्फ नेटवर्क एड्रेस क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी क्या जरूरत है, क्यों, जबकि आईपी सबका है, बस इस आईपी को इस्तेमाल करें चीजों को। मिसाल के तौर पे, आई एम सेंडिंग समथिंग फ्रॉम पिशावर टू यूएस यूजिंग जूम, तो मेरे पास अपना आईपी भी है, मेरे पास इसका आईपी भी है, जूम का भी, तो व्हाई द डिवाइसेस इन द मिडल आर नॉट यूजिंग दिस आईपी एड्रेस, बट दे आर यूजिंग दी नेटवर्क एड्रेस ऑफ दिस नेटवर्क। कोई है जवाब? क्वेश्चन तो बनता है।
अगर जवाब नहीं भी आता तो ये सिर्फ बता दें, क्या सवाल तो बनता है कि नहीं बनता ऐसे ही, वरना अगर आप लोग मुझे कह दें कि सवाल नहीं बनता तो मैं अभी उसको थोड़ी डांट वगैरह तो करूं कि सवाल ही नहीं बनता, तुमने सवाल क्यों किया है। अब आप लोगों से मुझे मशवरा लेना है फॉर सिक्योरिटी सर। ओके सर, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? यस आई कैन रिपीट इट। क्वेश्चन ये किया गया, कल हमने इस पे बात की थी कि हर एक डिवाइस जिसने भी नेटवर्क पे बात करनी है उसका एक ग्लोबली यूनिक आईपी एड्रेस मस्ट। वेरी नाइस। अब हमने कल देखा कि हर एक डिवाइस का जब आईपी है तो दरमियान में मिसाल के तौर पे अगर मैं चला जाऊं सीएमडी पे और यहां पे कर लिख दूं फॉर एग्जाम्पल पिंग, सॉरी पिंग की बजाय ट्रेस करता हूं, ट्रेस आरटी एंड www.zoom.us फॉर एग्जाम्पल इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तो अब जूम का आईपी ये है 172.114.52. मैं पहले गया 16.5 पे जो कि मेरा एज रूटर है, जो मेरा एक्सेस रूटर है, सॉरी एज रूटर नहीं, एक्सेस रूटर है, मेरा गेटवे है। और यूं मैं मुख्तलिफ डिवाइसेस से होता हुआ देखें, उसके बाद मैं 10.1 पे आया, फिर 147.65 पे आया, और यूं करते करते अब मैं कम से कम अपनी अपने इस नेटवर्क से बाहर निकल जाऊंगा। ओके तो जरवा वापस आए, तो इसका मतलब ये है कि 64 मैं नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ 9 रुपए हैं, फिर 32 भी नहीं खरीद सकता, इसको भी जीरो कर दिया, बल्कि मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 1 फिर 0, 64 नहीं खरीद सकता, 32 नहीं खरीद सकता, 16 नहीं खरीद सकता, हाँ 8 खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 9 रुपीज है, लेकिन जो ही मैंने 8 खरीदा तो मेरे पास सिर्फ 1 रुपी रह गया, तो 1 रुपी तो यहाँ पे आता है, इसका मतलब ना मैं 4 खरीद सकता हूँ, ना मैं 2 खरीद सकता हूँ, मैं 1 खरीद सकता हूँ। तो देखिए मेरा नंबर क्या हो गया, 100 1000, देखिए ये नजर आ रहा है 1000 एंड देन 1001 1001। तो अगर ये आप छोटी सी ट्रिक याद कर लें तो वेरी इजिली यू कैन कन्वर्ट दी नंबर फ्रॉम बाइनरी, फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। इज इट क्लियर जरवा? यस सर। अब क्या होगा जरवा के हमारे पास ये हमारा आईपी एड्रेस है जो येलो में लिखा हुआ है और ये हमारा बाइनरी में सबनेट मास्क है, वो 255 का मतलब होता है ऑल वंस। तो मैंने ये ऑल वंस सर और ये जी बोलो। सबनेट मार्क सेम रहेगा, और अगर डिफरेंट भी होता है तो क्यों होता है? अभी जैसे बताता आपने हूँ अपना वाला बताया तो ये 152 ने सॉरी 252 या कुछ इस तरह आया था जो। जी बताता हूँ बताता हूँ, पहले ये क्लियर कर लें ताकि फिर वो आपको समझ आ जाएगी। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे आपके पास नजर आ रहा है कि 24 वन्स हैं सबनेट मास्क में और 8 जीरोस हैं। 8 जीरोस का मतलब है कि आपके पास होस्ट के लिए 8 बिट्स हैं। 8 का मतलब होता है कि 2 पावर 8, इसका मतलब यू कैन हैव इन ए नेटवर्क एट द मोस्ट 256 होस्ट। आप 1 रख सकती हैं, 2 रख सकती हैं, 10 रख सकती हैं, 50 रख सकती हैं, 100 रख सकती हैं, 200 रख सकती हैं, लेकिन 256 से ज्यादा नहीं रख सकती। क्लियर होगी मेरी यहां तक बात? यस सर। ओके अब क्वेश्चन ये आया कि आपने तो देख के ये फैसला किया क्योंकि आपके पास आंखें हैं, आपके पास सुनने के लिए कान है, राउटर मशीन के पास ना ना हाथ है, ना कान है, ना आंखें, वो क्या करता है? वो ये करता है कि वो अपना आपका आईपी एड्रेस लिखता है और आपका सबनेट मास्क लिखता है और उन दोनों को आपस में एंड कर देता है, उसको आपस में एंड कर देता है। और एंडिंग तो तमाम इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स को एटलीस्ट आती है क्योंकि डीएलडी पड़ी हुई है, उसमें आपने ये पढ़ा हुआ है कि व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई, और यहाँ तो सिर्फ 2 ही इनपुट हैं, व्हेन ऑल द बोथ द इनपुट्स आर हाई योर आउटपुट इज हाई अदरवाइज इट इज जीरो। बस वही रूल मैंने यहाँ पे अपनाया कि देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ भी 1 था तो 1 हो गया, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था तो 1 हो गया, बाकी बाकी जहां जहां 0 है, जैसे यहाँ पे आपको सारे 0 नजर आ रहे हैं, चाहे यहाँ 1 है कि 0 है, इट विल बी 0। डज इट मेक सेंस नाउ जरवा? यस सर। ओके नाउ कन्वर्ट दिस नंबर, जो आपके पास एंडिंग के बाद जो नंबर आया, क्योंकि राउटर के पास भी अगर आपकी तरह आंखें होती
आपकी तरह कान होते, हाथ होते, तो वो भी ये काम आसान बगैर ये एंडिंग किए कर लेता। लेकिन आपने उसको उसके लिए क्या आसानी पैदा कर दी, आपने कहा कि दिस इज, अब अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें वापस तो दिस इज 10, क्योंकि 2 पावर 0 इज 1, 2 की और मल्टीप्लाई बाय 0 है, तो 0 सिर्फ आपकी 2 बिट्स हैं, तो ये 2 बिट है और ये 8 बिट है, तो 2 2 + 8 इज 10। इसी तरह ये 128, ये 16, तो 128 + 16 + 1 इज इक्वल टू 137, तो .137, फिर ये 16 और ये सारा का सारा 0, तो ये बन गया मेरा नेटवर्क एड्रेस। क्या बन गया? मेरा नेटवर्क एड्रेस, यानी कि ये मेरा, कह लो ये मेरा खानदानी नाम हो गया। जितने भी इस वक्त इडियोरॉम में यूजर्स हैं सबका नेटवर्क एड्रेस जो है वो ये। कुछ बात समझ आई? यस सर। वेरी नाइस जी, अगर समझ आ गई तो बात ही खत्म हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास सर और आपको पता है कि पहले 24 बिट के साथ आप कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती, क्योंकि ये नेटवर्क एड्रेस है, पहले 24 बिट्स नेटवर्क का एड्रेस है, इसके साथ छेड़छाड़ी नहीं हो सकती। सिर्फ छेड़छाड़ी कहां पे हम करेंगे? अभी होस्ट के साथ। अब आपके पास टोटल होस्ट कितने हैं, कितने होस्ट पॉसिबल हो सकते हैं हरीम, कितने हो सकते टू हैं? पावर एट विच इज इक्वल टू 256। 256। तो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो 256 इसमें ऐड कर दो तो क्या जवाब आएगा? अरे जल्दी से बोलो, कल एक्टिव थी आज फिर एक्टिव नजर नहीं आ रही हो जी। ये 256 हमें बताया सुभान ने, तो क्या बताएंगे आप, क्या लिखूं यहां पे, क्या वैल्यू आएगी? 257, 0 से टू 257। 255। क्यों जरवा? यस सर, 255, 0 से या 255। 0 से 255 इज द टोटल काउंट ऑफ 256। तो इस पहले एड्रेस को हम कहते हैं नेटवर्क एड्रेस, इस पहले एड्रेस को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क एड्रेस। और इस आखिरी एड्रेस को हम कहते हैं, इस आखिरी एड्रेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? होस्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब अगर ये पहला नेटवर्क जो है ये मेरा नेटवर्क एड्रेस है, तो 0 के बाद क्या आता है? शाबाश हरीम, 0 0 के बाद क्या आता है? अगर ये आपको तंग करता है तो मैं इसको दोबारा रब कर देता हूं और उसी तरह बड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि नजर आए। 10.137.16.1, यही है ना? 0 के बाद 1 होता है। और 255 से पहले क्या होता है, इसको भी डिफरेंट कलर से लिखता हूं। 10 डॉट, बल्कि ये कलर शायद इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है तो मैं इसको ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूं। और ये जी ब्लू कर दिया। 10.137.16.254, 254। ऐसा ही है ना? इसका मतलब कि इस ब्लू वाले को, इस डॉट को मैं खींच के यहां ले आता हूं। और इस डॉट को खींच के मैं यहां ले आता हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो क्या मैंने चारों एड्रेसेस एक्सप्लेन कर दिए कि जो आपका पहला एड्रेस होगा वो आपका फैमिली नेम है, वो आप फैमिली नेम, आप किसी को भी नाम नहीं दे सकते कभी। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा इस वक्त जो बोल रहा है वो जरवा है, तो जरवा से कहेंगे जरवा तुम्हारी कैस्ट क्या है? और तैलीम भी आ गई है, गुड जी जरवा, कैस्ट का नाम बताओ सर अपना। मलिक।
मलिक, तो आपका नाम मलिक हो सकता था? नो नो सर, नो, दिस इज योर फैमिली नेम। तो इसी तरह नेटवर्क का जो पहला एड्रेस है, ये हम किसी को भी नहीं देते, हम कहते हैं ये मलिक है, इसका मतलब ये नेटवर्क एड्रेस है। हाँ, उसके बाद वन जो भी उसके बाद स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं ये हमारा फर्स्ट यूजेबल एड्रेस है, ये हमारा फर्स्ट यूजेबल एड्रेस है, ये फर्स्ट यूजेबल होस्ट है। एक मिनट दीजिएगा। ओके जेंटलमैन, आई एम बैक। तो मैंने कहा कि ये आपका जो पहला एड्रेस है, ये तो आप किसी को भी नहीं देंगे, नेटवर्क है। आखिरी भी आप किसी को नहीं देंगे, ये ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट का मतलब मैंने पहले भी बताया हुआ, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है जब आपने पूरे नेटवर्क को कुछ देना है तो ये एड्रेस इस्तेमाल होगा। जब जब आप ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल होगा, ब्रॉडकास्ट इस कलर को मैं, ये ज्यादा हैवी है, ब्रॉडकास्ट का मतलब है वो एड्रेस जो आप, ये वो एड्रेस है इस नेटवर्क के लिए ब्रॉडकास्ट है। हर एक में ये नहीं लिख देना कि कोई पूछे कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, उसे कोई 10.137.16.255, नहीं, इस नेटवर्क के लिए है। हर एक के लिए अपना अपना होगा, लेकिन लास्ट एड्रेस होगा। पहला एड्रेस जो होगा वो आपके नेटवर्क का एड्रेस होगा, वो भी आप किसी होस्ट को नहीं देंगे। इसके दरमियान में जितने भी एड्रेसेस हैं वो आप अपने होस्ट को देंगे। उसमें सबसे पहला 0 के बाद 1 आता है और सबसे आखिरी 254 है। तो आप कह सकते हैं कि मेरा पहला एड्रेस जो मैं किसी होस्ट को दूंगा, चाहे वो कोई लैपटॉप है, चाहे वो कोई सर्वर है, चाहे वो कुछ भी है, उसको मैं ये एड्रेस, इसका मतलब है कि आपका पहला एड्रेस जो है, आपका पहला एड्रेस जो है वो ये हो जाएगा 10.137.10.137.16.1।
और आखिरी एड्रेस ये हो जाएगा जो आप किसी अपने यूजर को दे सकते हैं, दैट विल बी 10.137.16.254। जनाब अब बताएं, एनी क्वेश्चन? देयर इज समथिंग इन द चैट? नो सर, फ्रॉम सुभान। जंप टू द लेटेस्ट। सुभान के अलावा किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ये, आपकी जिंदगी भर अगर आपने नेटवर्क में रहना है तो जान नहीं छोड़ेंगे, और पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जनाब बताएं, ये आपका नेटवर्क एड्रेस है, ये आपका आपका आईपी है, ये आपका सबनेट मास्क है, बताएं कि इसमें नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट यूजेबल क्या होगा, लास्ट यूजेबल होस्ट एड्रेस क्या होगा, तो ये सारी चीजें हम निकाल के बताते हैं। क्लियर एवरीवन? यस सर, क्लियर है। शाबाश। अगर ये है, तो फिर तहरीन बताए कि तहरीन मैं कितने यूजर्स को आईपी दे सकता हूं इस नेटवर्क में। तो तहरीन ने कहा टू, नहीं तहरीन जी सवेरा, कितने में लोगों को आईपी दे सकता हूं इस नेटवर्क में? तो जनाब हमें दो आंसर्स मिले, सवेरा ने कहा 256, सुभान ने कहा 255, और दोनों ही गलत। अच्छी बात है, इसलिए तो कहता हूँ कि शुक्र करें कि क्लास में जमहूरियत नहीं है। भाई नजर आ रहा है कि 1 से लेके 254 तक, इसके मतलब 254 वन से स्टार्ट हो रहा है, वन होगा, किसी का टू होगा, किसी का थ्री होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 20 होगा, लेकिन लास्ट 254 होगा। इसके मतलब टोटल नंबर ऑफ आईपीज व्हिच आर अवेलेबल हियर आर नॉट 256 बट 250, नीदर 255 नॉट 256 बट 254। तो इसका फार्मूला क्या बन गया फिर? यहां तो मैंने कहा 256, सीधे सवेरा ने एकदम जवाब दिया 256, तो आज अब हमने इसका फार्मूले को चेंज कर दिया कि 2 पावर 1, यानी जो भी 2 की पावर नंबर ऑफ होस्ट बिट्स माइनस 2, ऑलवेज यू विल बी सबट्रैक्टिंग माइनस 2 टू गेट द आंसर। क्योंकि माइनस टू, क्योंकि पहला एड्रेस जो है वो नेटवर्क खा जाएगा, आखिरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट खा जाएगा, वो हम किसी यूजर को नहीं दे सकते, इसलिए हम इसमें से माइनस टू कर देते हैं। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बात करें, हरीम इज इट क्लियर और नॉट? बट आई डोंट नो वेदर हरीम इज हियर और नॉट एज वेल, बिकॉज टुडे शी इज अगेन पैसिव साइलेंट, बट इज नॉट हियर। सर, ये ब्रॉडकास्ट क्यों करते हैं हम एड्रेस? क्लियर? ओके, क्यों ब्रॉडकास्ट करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि हमें तीन किस्म की, हमने पीछे भी पढ़ा है और दोबारा आपको क्लियर करूं कि हमें तीन किस्म की कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। हमें तीन किस्म की कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, तो लाजमी तौर पे हमें नेटवर्क में अगर ब्रॉडकास्ट करना है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज सबको कहनी होती है, आप लटके में आपको कहूंगा जी आप अपनी क्लास में जाओ और सारे स्टूडेंट को कहो कि ये काम करें, तो आप यही कहेंगे कि जी ठीक है, तो आप ब्रॉडकास्ट करोगी। आपको अगर मैं कहूँ जी आपने क्लास की सारी फीमेल्स को ये बात कहो, तो इसका मतलब कि यू आर टॉकिंग टू ए ग्रुप, और अगर मैं आपको कहूँ जी आप सिर्फ तहरीन को कहो, इसका मतलब यू आर गोइंग टू इंडिविजुअल, इसका मतलब कि आपको तीनों किस्म के एड्रेस चाहिए। तो ये जो दरमियान में आपके वन, इस केस में 254 एड्रेसेस बने हैं, दे आर योर यूनिकास्ट एड्रेसेस एंड दिस इज योर ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो यहाँ पे हमने यूनिकास्ट एड्रेसेस और ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेसेस को समझ लिया। जी अब कोई क्वेश्चन? सर, ये ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस जो होंगे, ये सबके लिए सेम होंगे? मतलब ये तो पूरे टू फिफ्टी नेटवर्क के फाइव लिए है सेम ओके होगा ना, पूरे नेटवर्क के लिए सेम सर। होगा। जैसे कोई शख्स आपके घर के बाहर खड़ा हो जाए और कहे सारे मुल्क बाहर आ जाओ, तो क्या कहेंगे हिंको में इसको? आप तो वहां पे हिंको बोलते होंगे ना, एबटाबाद में, तो इट इज लाइक ए ब्रॉडकास्ट।
क्लियर हो गई मेरी बात यस सर। जी? और कोई क्वेश्चन? शाबाश, सोच लें। इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपका बनता है तो कर लें। और सर ये नेटवर्क एड्रेस हमेशा .0 ही रहेगा। नहीं, इस जगह पे जीरो बना है। कोई इसमें कोई भी नंबर नंबर वाइज आपने नहीं याद रखना, ये मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कोई कल कहे कि नेटवर्क एड्रेस क्या हो तो आप कहते 10.137.16.0, नहीं, ये इसके लिए है। ठीक है ना, पूरे पाकिस्तान में या पूरे अहमदाबाद में तो सारे मलिक नहीं है ना। कोई मलिक है तो कोई आवान है, कोई जदून है तो कोई कुछ और है। हर एक अपना अपना नेटवर्क एड्रेस है, हर एक अपना ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, हर एक अपने फर्स्ट यूजेबल और लास्ट यूजेबल, उसके दरमियान जो आईपीज है वो हर एक अपने अपने सेम नहीं है, सब सबके लिए एक ही नहीं है। यस सर। और फिर अगर ये नेटवर्क एड्रेस 1 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर ये जो लास्ट ब्रॉडकास्ट होगा ये 256 हो जाएगा, और इसके बीच में जितने होंगे वो फिर हम लोग देंगे सबको। जो आपने कहा मैं उसके साथ एग्री इसलिए नहीं करूंगा कि 8 बिट में 256 आ नहीं सकता, ऐसे ही है ना। यस सर। नेटवर्क एड्रेस जैसे भी स्टार्ट होगा फिर वो अगले 17 की तरफ चला जाएगा, 16.0 के बाद, 16.255 के बाद वो चला जाएगा 17.1 की तरफ। आते हैं इस तरफ बात करते हैं, लेकिन यहां तक आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर आ गई। जी, यू हैव 1 मिनट टू थिंक अबाउट एनी वन ऑफ यू, सुलेमान, मुबीन, हैदर, अबूजर, एनी समीर हक, एनी वन ऑफ यू, इफ यू हैव एनी एम्बिग्विटी तो मेक इट क्लियर। यहां तक बता दूं कि जो लोग इलेक्ट्रिकल से हैं, इसके अगले टॉपिक जो मैं करूंगा वो आपके आपको प्रोजेक्ट में वहां पे मिलेंगे। वसीम साहब नॉर्मली प्रोजेक्ट भी इधर से ही देते हैं, इसी चैप्टर से देते हैं, इन अदर वर्ड्स। तो इसलिए इसको खूब अच्छी तरह समझ लें, और ये यूज भी बहुत होता है। तो यू हैव 1 मिनट टू थिंक अबाउट। सर जब हम 1 बिट से स्टार्ट करेंगे तो इसमें 254 एड्रेसेस होंगे या 255? वो कैलकुलेट करेंगे तो फिर आप वो अभी अभी, अभी अगले एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स में आपको क्लियर करता जाऊंगा। हर एक में 255 हो या 254 होस्ट हर नेटवर्क में नहीं होंगे, किसी नेटवर्क में हो सकता है 2 होस्ट हो, किसी में हो सकता है कि 16 हो, किसी में हो सकता है 50 हो, तो वो कोई फिक्स नंबर नहीं है। ये तो कैलकुलेशन करोगे, उसे जो जवाब आता है बस वो जवाब होता है। यहां तक क्लियर है? क्लियर, ओके। अब हम आ जाते हैं जी अगली स्लाइड की तरफ, अगर आपको समझ आ गई है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन ये है यहाँ पे जेंटलमैन, ये फरमाता है कि आपका कोई भी एड्रेस हम एज्यूम कर लेते हैं, कहता है कि विद इन ईच नेटवर्क आर 3 टाइप ऑफ एड्रेसेस, जैसे मैंने अभी बताया, एक नेटवर्क एड्रेस,
एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस और दरमियान में होस्ट के यूजेबल एड्रेसेस। अगर आप इस साइट को दोबारा देखें तो मैंने यही बताया कि तो एक आपका नेटवर्क का एड्रेस, एक आपका हो ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और इस दोनों के दरमियान में जितने भी एड्रेसेस हैं वो यूजेबल एड्रेसेस। तो यही बात इसने यहाँ पे बताई कि जनाब आपका नेटवर्क एड्रेस होता है किसी भी नेटवर्क का, उसमें एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी मस्ट होगा, और दरमियान में जितने भी एड्रेसेस हैं वो उनको हम कहेंगे होस्ट यूजेबल एड्रेसेस, ये यूजेबल होस्ट एड्रेसेस। क्लियर है मेरी बात? ऐसे हो सकता है कि होस्ट का एड्रेस सिर्फ एक ही हो? सकता है लेकिन फिर ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। नहीं, अच्छा इस तरफ आप जा रहे हो, नहीं, डेफिनेटली नेटवर्क एड्रेस होगा, डेफिनेटली ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, और दरमियान में कुछ एड्रेसेस होंगे जो कि होस्ट के लिए होंगे, और वो कम से कम जो होते हैं वो दो होते हैं, क्योंकि अगर एक एक डिवाइस एक होस्ट है तो फिर तो वो नेटवर्क ही नहीं है ना। कम से कम छोटे से छोटा नेटवर्क जो है वो ये है कि आपका एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो जाए, तो यहाँ भी आईपी चाहिए यहाँ भी आईपी चाहिए, तो कम से कम दो। जी समझ आ गई। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब वही क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमने शुरू में डर के छोड़ दिया था। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा क्वेश्चन था और अब आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। क्वेश्चन था 10.137.16.80, और सेकंड मास में हमने डंडी मारी थी और हमने कहा था कि 255.255.252, और ये बात उन्होंने नहीं इतनी ज्यादा पॉइंट आउट की लेकिन जरवा नहीं की कि जी आपने वहां पे चेंज किया। तो मैंने कहा हाँ मैंने किया, तो आसानी के लिए किया। अब मैं उसी एग्जाम्पल को लेता हूँ जो कि आपके सामने है। लेडीज एंड जेंटलमैन 10 है, तो आपने अभी किया 10 का, तो 8, तो इट इज इट कैन बी रिटन एज 0। 0 का मतलब 128, 64, 32, 16, 8, 8, तो 2 रह गए सर मेरे पास, 8, 4, 2, 1, ये हो गया 10.137, ये 137, तो 128, 128 के बाद 64, 64 के बाद 32, 32 के बाद 16। अब 16 के बाद मेरे पास सिर्फ 9 रहता है, तो 8, 8 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 16, तो 128, 64, 32, 16, 16 ही बस एक था, आगे सारे 4 के 4 जीरोस, तो ये हो गया .18। इसमें तो कोई मसला, अब उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़े से फ्लूएंट हो गए होंगे। 18, 128, 64, 32, 16, अब 2 मेरे पास रह गया, 16, 8, 4, 2, 1, तो ये हो गया आपका पूरा के ये एड्रेस, दिस वन इन बाइनरी। अब इसको भी कर लेती हैं, कलर का वो चेंज कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको फील हो। 255 मींस ऑल वंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट, अगेन 255, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 4, तो 8 हो गया। अब 252 है, 255 नहीं, तो 255, 252 का मतलब है, 252 का मतलब है वन, आखिरी 2 डिजिट हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ऑल जीरोज हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो दिस इज इक्वल टू योर सबनेट मास्क ऑफ दिस। अब लेडीज एंड जेंटलमैन इन दोनों को एंड कर लो, इन दोनों को एंड कर लो। ऐसे भी हमें नजर आ रहा है
इसमें 8 + 8 16, 16 और 8 24 - 2 22 बिट्स हैं, 22 बिट्स हैं नेटवर्क के लिए और 10 बिट्स हैं होस्ट के लिए। लेकिन अगर क्योंकि ये तो हमने देख के कहा, कंप्यूटर देख नहीं सकता, तो हम इनकी एंडिंग करते हैं तो क्या आ जाएगा। मैंने बताया जहां वन वन दोनों तरफ होगा वहां वन आ जाएगा, जहां दोनों तरफ वन होगा वहां पे वन आ जाएगा, जहां पे दोनों जगह पे वन होगा वहां वन आ जाएगा, बाकी हर जगह जीरो चलेगा तो क्या आ जाएगा। यू डू द एंडिंग एंड यू गेट 0001 0100 1000 1001 0000 dot 0001 0000 dot। और यहाँ क्योंकि जीरो है तो इनको जीरो कर देगा, 0040 0040। इफ यू कन्वर्ट बैक इन टू द डेसिमल यू गेट 10.137.16.0। दिस इज योअर नेटवर्क एड्रेस। क्लियर एवरीवन? यस सर, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपके होस्ट के कितने बिट्स हैं? 10। इसका मतलब है कि यू कैन हैव 2 की पावर 10 नंबर ऑफ होस्ट इन दिस नेटवर्क इन योर रॉम। अब 2 की पावर 10 किसके बराबर होता है? 2 पावर 8 इज, अभी हमने किया था 256, तो 2 की पावर 9 512, 1024 शायद। 2 की पावर 10 1024। एग्रीइंग और नॉट? इसे मतलब ये थोड़ा बड़ा क्योंकि रॉम है तो तमाम टीचर्स को देना है, तमाम होना तो चाहिए, तमाम स्टाफ को देना है, स्टूडेंट्स को देना है, तो ज्यादा हमें आईपीस चाहिए। तो हमने कहा हमें कितने आईपीस अवेलेबल हैं इस नेटवर्क में? 1024। डज इट मेक सेंस और नॉट? जी एनी वन ऑफ यू जो नहीं समझ रहा बात करें, आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट कम होते जा रहे हैं। सर कितने आईपीस अवेलेबल, इस चीज की समझ नहीं है सर, जो भी बोला है। मुबीन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? जी जी मुबीन बोल रहा हूँ। देखे ना मुबीन, अभी हमने ये देखा कि इस सबनेट मास्क ने हमें ये बताया कि इसमें 22 वन्स हैं और 10 जीरोस हैं, ऐसा ही है? जी जी और अगर 10 जीरोस हैं तो 10 जीरोस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ होस्ट बिट्स और 22 वन्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स इन द आईपी एड्रेस। तो इसको अगर आप ले लेंगे तो 2 की पावर 10 एंड 2 की पावर 10 अगर आप को पता है तो डेट्स ग्रेट, नहीं पता तो मैं कैलकुलेटर पे जाके आपके सामने ले आता हूं कि साइंटिफिक पे जाके 2xy10 करके आपको सामने ले आता हूं तो यू फाइंड इट 1024 जो मैंने यहां लिखा है। जी जी इसका मतलब है कि इस नेटवर्क में जो इडियोरॉम का नेटवर्क है यूईटी में, इसमें आई कैन हैव 1024 होस्ट। इसमें भी आपको पता है कि एक एड्रेस नेटवर्क खा जाएगा, एक एड्रेस ब्रॉडकास्ट खा जाएगा तो -2 करना होगा। इसका मतलब है कि इन रियलिटी आई विल हैव 1022 होस्ट एड्रेस इज पॉसिबल फॉर मी। क्लियर? जी सर। ओके, अब हम आते हैं कि अगर ये एड्रेस मेरा नेटवर्क एड्रेस है ठीक है, अब इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे फाइंड होता है? क्योंकि वहां तो मुझे डायरेक्टली पता लग गया था, यहां पे मुझे आपको कैलकुलेट करके बताना होगा और अच्छा है कि बताना पड़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ब्रॉडकास्ट, इसको मैं थोड़ी सी जगह यहां छोड़ के ताकि मैं इसमें आके दोबारा लिखूंगा, जितने आपके ये 10 बिट्स हैं इसको वंस कर दो। क्या कर दो? वंस कर दो। तो क्या रह जाएगा? मैं दोबारा लिखता हूं यहां पे 0000, कलर चेंज कर देता हूं,
थोड़ी सी तवज्जो भी चाहिए जनाब। 000 000 इसको मैं यहां लिख रहा हूं, 1010.1000001, फिर 00001 और 2 जीरो तक जाऊंगा, आगे 10 की 10 बिट्स को 1 कर देता हूं, 1 1 1 1 1 1 4 5 6 7 8 हो गया। हेलो, हो गया कि नहीं? जी सर, हो गए। हो गया। तो भाई इसको कन्वर्ट करें वापस बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में, इससे वही 10 रहा, कोई फर्क हमने नहीं डाला। ये इसमें भी हमने कोई चेंज नहीं किया, तो इट वाज नॉट 13 बट इट वाज, सॉरी, इट वाज 137, 137, इट इज 137 डॉट। अब ये 16 यहां तक था, 16 में 2 ऐड हो गए, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, यानी कि 1 प्लस 2 3, 3 ऐड कर दो तो 16 प्लस 3 इज 19। आता हूं जी आपकी चैट लेता हूं, एंड देन दिस इज 255। डू यू एग्री विद मी और नॉट? यस सर। गुड, तहरीम ने हमें पहले से बता दिया कि जी ये बनता है 10.137.19.255। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, 10.10.137.19.255 एज माई ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब इसके दरमियान में जितने भी एड्रेसेस होंगे, जो जिनकी तादाद 1022 है, वो मेरे यूजेबल एड्रेसेस बन जाएंगे। अभी हमने स्लाइड में यही पढ़ा कि किसी भी एड्रेस में, किसी भी एड्रेसिंग में, आईपी एड्रेसिंग में, आपको एक नेटवर्क एड्रेस मिलता है, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस मिलता है, और दरमियान में कुछ, ये दोनों एक एक ही होते हैं, नेटवर्क एड्रेस भी एक, ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी एक, और दरमियान में मल्टीपल, जो कि इस केस में 1022 एड्रेसेस, जो कि होस्ट यूजेबल एड्रेसेस हैं। अब वो क्या होंगे, चेक कर लेते हैं जी। ब्लैक से लिखते हैं पहला, 10.137.16, जीरो के बाद क्या होता है, वन, जीरो के बाद क्या होता है, वन, और ये जीरो से चल चल के 255 तक जाएगा, 1 से जाके 255 तक जाएगा। तो अभी तो सिर्फ कितने एड्रेसेस कंज्यूम हुए हैं, 1 255, मेरे पास तो 1022 एड्रेसेस हैं। तो फिर क्या होगा, इसके बाद ये बन जाएगा 10.137.17.0, 17.0, और ये अब 0 से लेके 255 तक फिर चलेगा। तो यूं मुझे यहां पे कितने एड्रेसेस मिल गए, 255, यहां पे मुझे मिल गए 16 की रेंज में कह लो 255, और यहां पे भी मुझे मिल गए 256 एड्रेसेस, जो के 17 के साथ चलेंगे, यानी उनका एड्रेस होगा 10.137.17.0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 10, ब्ला ब्ला ब्ला, 255, फिर ये भी खत्म हो गए 255 वाले, 17 वाले, तो फिर अगला फिर 0 होगा, और वो 18 के साथ होगा, 18.0 अप टू 255, और फिर 19.0 अप टू 255, 255 विल बिकम दी ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इससे एक ऊपर एड्रेस क्या होगा, दैट विल बी 137, सॉरी 10.137 .19.254, दैट विल बी द लास्ट यूजेबल एड्रेस एंड दैट विल द फर्स्ट यूजेबल एड्रेस। अगेन टू, एक मिनट से कम है, मैं और नहीं बोलता, आप बोलें, और नहीं बोलते तो सोचें क्या
बात समझ आई कि मतलब मैंने अब देखे उसमें और इसमें बला का फर्क है, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि भाई बस हर जगह बस यही एक कोई भी बोले नेटवर्क एड्रेस क्या है सर ने जी ये बोला था, नहीं। ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमने ये एग्जांपल अपने सामने रखी थी, तो उसमें भी हमने तीन किस्म के एड्रेसेस ढूंढने थे। वन वाज द नेटवर्क एड्रेस, सेकंड वाज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस, एंड इन बिटवीन देम मल्टीपल होस्ट एड्रेसेस, यूजेबल होस्ट एड्रेसेस। तो अब आप अपने ये एड्रेसेस को काउंट कर लें तो यू विल फाइंड दैट दे आर इक्वल टू 1022। पहले में 255, पहले में 255, पहले में 255 जो कि 16 की रेंज में है, फिर 17 की रेंज में कितने हैं 256, फिर 18 की रेंज में कितने हैं 256, फिर 19 की रेंज में कितने हैं 254, 255 16 की रेंज में 0 to 250, तो काउंट कर लेते हैं तो 256 into 3 प्लस 255 तो 512, 512 एक और कम होना चाहिए, कहाँ पे कम, हाँ यहाँ पे 19 में 255 नहीं होगा ना, 254 होगा। तो इन दिस वे यू विल हैव दी 1,802 एड्रेसेस, यूजेबल एड्रेसेस विच यू कैन गिव टू योर लैपटॉप्स, टू योर सर्वर्स, टू योर राउटर्स, टू योर स्विचेस, टू योर फायरवॉल्स, व्हाट एवर द इज, एनी एंड डिवाइस, डीपीजी डिवाइस, सिक्योरिटी डिवाइसेस, एनी डिवाइस दैट रिक्वायर्स एन आईपी एड्रेस, डेफिनेटली इट विल बी गेटिंग आईपी एड्रेस फ्रॉम दिस यूजेबल रेंज। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जी अबूजर, मुबीन, सुलेमान, सवेरा, सुबहान, जरवा, हो सर, ओके नाइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब आप कुछ सीख लेते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, ये तीन सी चीज सब मैंने आपको बतानी थी। ओके तो अबू सर, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में ले रहे हैं कि जी हमारे पास, जैसे मैंने अभी शायद जरवा ने क्वेश्चन किया था अबाउट दी एड्रेसेस विच आर यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट। तो अभी आपने ये दो एड्रेसेस तो देख लिए कि हर एक नेटवर्क का अपना एक मखसूस ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, वो मैं ये नहीं कह सकता कि ये एड्रेस है, बस वो एड्रेस ये है कि ब्रॉडकास्ट है, वो आखिरी एड्रेस होता है। दरमियान में जितने भी एड्रेसेस हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं डिवाइसेस को देने के लिए, दे आर द यूनिकास्ट एड्रेसेस, बस एक रह जाता है कि मल्टीकास्ट, वो हम कुछ देर में एक्सप्लेन कर देंगे ताकि वो भी क्लियर हो जाए। ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो क्लियर होना चाहिए कि ये तीनों टर्मिनोलॉजीज हैं क्या, क्योंकि शायद आपको पहले से भी पता है लेकिन फिर भी हम इनको पढ़ते हैं। यूनिकास्ट का मतलब ये है कि आप, यूनिकास्ट का मतलब ये है कि आप एक सोर्स ने भेजा और एक डेस्टिनेशन की तरफ चला गया, यानी सोर्स एड्रेस मिसाल के तौर पे 172.16.4.1 है, यानी इसका ये एड्रेस देखिए आपको नजर आ रहा है 172.16.4.1, और डेस्टिनेशन है 172.16.4.253। तो अब इनको ये आईपी कैसे मिले, अभी जो हमने कैलकुलेशंस की वहां से हमने निकाले कि जी हम इन पीसीज को, इन प्रिंटर्स को, इन प्लॉटर्स को, इन स्विचेस को, इन राउटर्स को क्या आईपी एड्रेस दे सकते हैं। तो जब आपका एक सोर्स एक डेस्टिनेशन हो तो सच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉल्ड यूनिकास्ट ट्रांसमिशन। है कोई मसला? नो सर, नाइस। इसके बाद हम बात करना चाहते हैं ब्रॉडकास्ट की। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक सोर्स ने भेजा लेकिन ये उस सोर्स के अलावा सबकी तरफ चला गया, आपको नजर आ रहा है कि ये वही पैकेट इधर भी जा रहा है
वही पैकेट इधर भी जा रहा है, वही पैकेट इधर भी जा रहा है, यानी जितने भी पॉसिबल रास्ते हैं सब पे जा रहा है। तो सच ए ट्रांसमिशन इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन। जैसे मिसाल के तौर पर इसने कहा है कि 4.1, दिस इज 4.1, 172.16.4.1 सेंड्स ए ब्रॉडकास्ट आईपी टू ऑल दी आईपी होस्ट। तो वो उस नेटवर्क, इस नेटवर्क का कोई ना कोई ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी होगा, उस ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे भेज दे। क्लियर? जी इसी सर, तरह, इसी तरह मल्टीकास्ट, क्या मतलब है मल्टीकास्ट का? देखिए अगेन एक ही सोर्स ने भेजा 172.16.4.1। जैसे मैंने अभी एग्जांपल ये दी थी कि अगर मैं कहूं कि जी ये आप सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के हवाले कर दें ये नोट्स, तो इसका मतलब है कि मैंने ग्रुप को टारगेट किया है। या मैं कहता हूं जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास के उनके हवाले कर दें, या मैं कहता हूं कि जो सोसाइटीज के मेंबर हैं उनको ये चीज दे दें। इसका मतलब है कि मैंने ये नहीं कहा किसी एक का, नहीं कहा सबका, नहीं कहा एक खास मखसूस ग्रुप का की निशानदेही की। तो इस किस्म की ट्रांसमिशन को हम क्या कहते हैं? मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन। जैसे मिसाल के तौर पे अभी जैसे इसने भेजा, अब भेजा सबको गया लेकिन रिसीव सिर्फ इन दोनों ने किया, रिसीव सिर्फ इसने और इसने किया, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने नहीं लिया, इसने भी रिजेक्ट कर दिया। आप देख रहे हैं क्रॉस लगे हुए हैं, यानी इनको नहीं भेजा गया या इनको ने रिसीव नहीं किया, सिर्फ इन दोनों ने रिसीव किया और प्रोसेस किया। इस किस्म की ट्रांसमिशन को कहते हैं मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं? मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन। और इसके लिए आगे जाके हम पढ़ेंगे कि हमारे पास 5 किस्म की क्लासेस हैं, जिसको हम कहते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। तो जो ये डी क्लास के जो एड्रेसेस हम पढ़ेंगे दे आर रिलेटेड टू द मल्टीकास्ट। यानी जब भी हमने मल्टीकास्ट करना होगा, देखें सोर्स को ये भेजा है, डेस्टिनेशन का एड्रेस में इसने ये दिया है 224.10.10.5। टू देखें इसका भी एड्रेस वही है। अब अगर मैं इसको जरा बड़ा कर दूं तो शायद और भी बेहतर नजर आ जाए, सॉरी बेहतर नजर आ जाए, ये आप देख लो अब नजर आ रहा होगा। इसका भी एड्रेस 10.5 है, इसका भी एड्रेस 10.5 है। तो ये दोनों क्योंकि दोनों ये एक मल्टीकास्ट ग्रुप के हिस्सा हैं, तो अब जब भी सोर्स भेजेगा इन दोनों को मिलेगा। इसकी एग्जांपल, अच्छी एग्जांपल ये है कि जब आप मिसाल के तौर पे वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है प्रॉब्ली 2020, तो प्रॉब्ली किस मुल्क में? यूएस वैसे में। तो अगर ये यूएस में है, लेट करें ये मैच हो रहा है न्यूयॉर्क में, मुझे नहीं पता कि यहाँ होगा कि नहीं, न्यूयॉर्क में हो रहा है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन एक जगह से जिन जिन यूजर ने इस ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे अराउंड द ग्लोब, अराउंड द वर्ल्ड, वो सिर्फ देखेंगे, सब नहीं दुनिया नहीं देखेगी। इसका मतलब है कि डैट अगेन बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीकास्ट। क्लियर है मेरी बात? हेलो, क्लियर है कि नहीं? ये सर क्लियर है। शाबाश। अब हम आते हैं टाइप ऑफ एड्रेसेस की तरफ, और हमें दो चैट्स मिल गई। क्लियर है? या सुभान, ये /24 है। आईपीवी 4 में नॉर्मली इसको इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जाता, ये IPv6 का स्टाइल है, लेकिन आजकल IPv4 में भी ये खुल के इस्तेमाल होता है। तो /24 का मतलब ये है, /24 का मतलब ये है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सबनेट मास्क, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सबनेट मास्क। और /24 का मतलब है 255.255.255.0। अगर चले, अगर ये /23 हो जाता तो फिर क्या होता, और अगर ये /20 हो जाता तो फिर क्या होता, कौन बताएगा? /23 पे ये 20, लास्ट वाला 254 हो जाएगा फिर। शाबाश,
इसने हमें बताया जरवाने के 255.255.254 हो जाएगा .0, /23 है, /20। इस 20 का मतलब कि आखिरी 4 बिट 1 हो जाएंगे और ये जीरोज हो जाएंगे, तो इनको बीच में से निकाल लो। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है। तो 8 + 4 12 + 50, तो 255 से 15 निकाल लो तो क्या रह जाता है 240। इसका मतलब है /20 इज इक्वल टू 255.255.240.0। क्लियर है? यस सर। नहीं, सुभान, /20 से 24 है तो 4 बिट निकल जाएंगी, तो 4 बिट से तो 15 निकलेगा, 240 आएगा, 252 कैसे आएगा? जी, अगले ने ठीक है मैं बताया और सुभान ने भी अपना मान लिया, तो दैट्स ग्रेट। तो चलें, आज के लिए इतना काफी। आखिरी हमारी मुलाकात का इसका आखिरी वो है रमजान में, तो इंशाल्लाह ताला आज हम इसको यहाँ क्लोज करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर डिसाइड करते हैं कि हमें दोबारा कब मिलना चाहिए, क्योंकि मोर एक्सपेक्टेड ये है कि द ईद फर्स्ट डे विल बी ऑन वेनेसडे, बट इट माइट 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 गो टू दी थर्सडे एज वेल। मोस्ट चांसेस आर दी कि 29 पे पूरा हो जाए तो फिर वेनेसडे को ईद हो जाएगी, और अगर 30 पे पहुंच गया तो फिर थर्सडे को ईद हो जाएगी। तो पहले बताएं, पहले क्वेश्चन आए तो नहीं, आज के टॉपिक में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो बता दें, सवेरा नोट कर लो कि अगली क्लास में हम स्लाइड नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे, और अगर क्वेश्चन है तो कर लें। नो क्वेश्चन, तो चल, यस सर, क्लियर। ओके, नाइस। तो क्या ख्याल है, अगर यहां से हम डालते हैं तो वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसका मतलब है कि हम सैटरडे संडे की क्लासेस रख सकते हैं, और अगर थर्सडे होता है तो फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को फिर भी हम रख सकते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? शाबाश, क्या चाहते हैं आप लोग? व्हेन वी शुड मीट अगेन विद आईपी, विद स्लाइड नंबर 27? कोई नहीं बोलना चाहता? सर नेक्स्ट वीक हम ये वेनेसडे और थर्सडे को नहीं ले सकते क्लासेस? वेनेसडे को तो ईद होगी। नहीं, नेक्स्ट वीक, ये इस वीक नहीं सर, ईद के बाद जो है अगला जो वीक आएगा ना, क्या पूरा वीक छुट्टी करना चाहते हैं? पता नहीं चल रहा मतलब ना, फिर भी बड़ा लंबा हो जाएगा सर, सैटरडे और संडे ठीक है। मतलब क्योंकि ऑलरेडी अभी हमने कोशिश तो ये की, देखा जाए तो एग्जाम फ्राइडे को खत्म हुए तो हमने सैटरडे संडे उठा लिया। तो सोच लें कि अगर, मेरा ख्याल से ये कि क्योंकि जितना आप डिले करेंगे तो कोर्स आपका एक्सटेंड होगा, और अगर आप नहीं चाहते तो 3 या 4 छुट्टियां इज मोर देन इनफ। सर। ठीक है सर, बस फिर सैटरडे और संडे ही बस ठीक रहेगा फिर। चलो ठीक, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला उस पे हम दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे, तो डिसाइड हो गया। और टिल देन अल्लाह हाफिज, ना ख्याल रखें, एडवांस में सबको ईद मुबारक, और दुआओं में याद रखिएगा अपने माँ बाप को, अपने उस्ताजा को, क्योंकि वो आपके साथ, आपको खड़ा करने में उनका एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। तो अल्लाह हाफिज एवरीवन, सी यू इंशाल्लाह। थैंक यू सुभान।